स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी सी फिल्म जिसका नाम है द स्ट्रे गॉड। और इस फिल्म को यार रिक्वेस्ट करता हूँ कि एंड तक ज़रूर देख लेना। वैसे मैंने किसी फिल्म के लिए नहीं बोला, बट इसको ज़रूर देख लेना। फिल्म की शुरुआत विंटर में होती है और हम मिन्सिक को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ अपने विलेज जा रहा है हमेशा के लिए रहने के लिए। रास्ते में आगे पहुँचने पर ये लोग खो जाते हैं। इसके फादर वहीं पर उतर कर एक गाड़ी वाले से विलेज का रास्ता पूछते हैं। ये पर्सन काफ़ी जल्दी में होता है, रास्ता बताकर यहाँ से भाग जाता है जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही हो। यहाँ से मिन्सिक की फैमिली गांव के चर्च में आती है क्योंकि मिन्सिक के फादर पहले चर्च में प्रीस्ट थे, तो यहाँ का जो अबैंडेड पड़ा चर्च है वो वापस से इसको शुरू करना चाहते हैं और सभी गांव वालों को यहाँ पर दोबारा लाना चाहते हैं। अगले दिन मिन्सिक का स्कूल में एडमिशन हो जाता है और स्कूल ले जाते हुए इसके फादर इससे कहते हैं कि तुम स्कूल में कुछ भी लफड़ा मत करना और चुपचाप से पढ़ाई करना और अच्छे नंबर के साथ ग्रेजुएशन कर लेना। यहाँ से मिन्सिक अपनी क्लास में आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है सबसे। यहीं क्लास में इसकी नज़र पड़ती है एक मासूम सी लड़की जू पर, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती। तीन लड़के इसको बुली कर रहे होते। ये तीनों लड़के जो होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं और कोरियन लोगों के मुताबिक स्कूल के बच्चों को कितना भी बड़ा क्राइम कर देते तो सज़ा नहीं दी जाती, इसलिए तीनों क्रिमिनल्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होते हैं स्कूल के अंदर। जू का कोई फ्रेंड नहीं है, पूरी क्लास पूरा स्कूल और पूरा विलेज इसको बुली करता है, परेशान करता है। सबका ये कहना है कि तेरे फादर खूनी है, उन्होंने एक लड़की की जान ली है। उसके फादर बेगुनाह साबित हो चुके हैं पर फिर भी सारे इसको बुली करते क्योंकि बुलीस को तो बस एक बहाना चाहिए होता है किसी को परेशान करने का। मिन्सिक ये सारी चीज़ें देख रहा होता है बट वो कुछ कहता नहीं है। क्रिमिनल्स कहते हैं कि देख, अगर तू जू के साथ बात करेगा और उसके साथ तू रहेगा तो तुझे भी बुली होना पड़ेगा। और एक क्रिमिनल मिन्सिक को अपने साथ अपना फ्रेंड बनने की बात कहते हैं और मिन्सिक किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता जैसे इसके फादर ने बोला है, तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं इनके साथ ही हो जाऊँ और वो भी इन क्रिमिनल्स का फ्रेंड बन जाता है। और दिन ऐसे ही बीतने लग जाते हैं। जो को कोई भी आता जाता बुली कर देता है, जिसे मतलब नहीं होता वो भी आकर इसको बुली करता है। मिन्सिक सब देखता रहता है पर वो कुछ कहता नहीं है। एक दिन क्रिमिनल मिन्सिक को हार्डवेयर शॉप से पैसे चुराने के लिए भेजते हैं और ये चुराता भी है इनसे बचने के लिए, बट शॉप ओनर जो होता है इनको ये हरकत करते हुए देख लेता है चारों को। और यहाँ पर मिन्सिक के मोम डैड गाँव के लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि तुम लोग चर्च में आओ, चर्च अब खुल चुका है। एक शॉप लेडी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ से सामान खरीदते नहीं हो और आ गए हमें चर्च में बुलाने के लिए। इसकी मोम उसका दिल रखने के लिए उसकी शॉप से एक लिप बाम खरीद लेती है। अगले दिन क्रिमिनल मिन्सिक को कहता है कि तूने कल गलती की थी, शॉप ओनर ने हम सबको पहचान लिया है तो तुझे अब इसकी सज़ा मिलेगी। तू जू का हाथ पकड़ेगा और उसको घर छोड़कर आएगा। वो इतना ज़्यादा स्कूल में बुली होती है तो किसी अनजान लड़के का हाथ पकड़ना उसके लिए काफ़ी आम बात होती है। मिन्सिक इसको लेकर इसके घर पर आ जाता है। इसके फादर इसको अंदर बुलाते हैं और मिन्सिक को अपने साथ खाना खाने के लिए कहते हैं। क्रिमिनल्स इसको बाहर से कॉल कर रहे होते हैं, जब ये रिप्लाई नहीं करता तो थोड़ी देर बाद क्रिमिनल्स जू के घर में पत्थर फेंकने लग जाते हैं। यहाँ चर्च में मिन्सिक के फादर सबका वेलकम कर रहे होते हैं। चर्च में लोग आने शुरू हो गए हैं पर ज़्यादा लोग नहीं आते। मिन्सिक अपने क्रिमिनल दोस्तों के साथ खेल रहा होता है और बॉल है जो वो दीवार के उस तरफ फॉरेस्ट में चली जाती है। ये लेने के लिए जाता है तो वहीं पर एक गड्ढे में इसको एक छोटा सा बकरी का बच्चा दिखता है जो कि उसमें फंसा हुआ है। ये बिना हेल्प किए वहाँ से वापस आ जाता है और अगले दिन उसी हार्डवेयर शॉप पर जाता है चोरी किए हुए पैसे वापस करने के लिए, पर दुकान बंद होती है। यहीं पर जू मिल जाती है और ये इसको अपने साथ खाने के लिए इन्वाइट करता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। मिन्सिक इसे लिप बाम देता है, ये वही लिप बाम है जो उसकी मोम ने उस शॉप वाले से खरीदा था। क्योंकि वो इसको यूज़ नहीं करेंगी इसलिए इसने इसको दे दिया। अब यहाँ पर जू ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और इसको थैंक यू कहती है। तभी मिन्सिक को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और इसको यहाँ पर जाना पड़ता है। वो तीनों क्रिमिनल्स हार्डवेयर की शॉप पर चोरी करते हुए पकड़े गए थे और उन्होंने जो सारा इल्ज़ाम होता है वो मिन्सिक के ऊपर लगा दिया होता है। इन क्रिमिनल्स ने बोला है कि मिन्सिक चोर है और हम उसकी बस हेल्प कर रहे थे चोरी करने में। मिन्सिक मान भी जाता है कि हाँ, पैसे मैंने ही चुराए थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो सच बात यही है। और इसके जो फादर होते हैं वो इसको बहुत मारते हैं, डांटते हैं, कहते हैं कि गाँव का चर्च का जो प्रीस्ट है उसका बेटा ऐसे काम कर रहा है और गाँव वालों के ऊपर क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों का। ये माफ़ी मांगता है और अगले दिन जू स्कूल आती है तो मिन्सिक से मिलती है और ये इसको स्नैक्स देता है। और क्लास में उन तीन क्रिमिनल्स में से एक क्रिमिनल जो होता है वो जू को आकर बुली करने लगता है और स्नैक्स छीन लेता है और टेबल पर फैला देता है, इसके कपड़े को गंदे कर देता है। और पूरी क्लास के लड़के काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, भाई ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, तालियाँ बजाई जा रही होती है, थम्सअप दिए जा रहे हैं उनकी बहादुरी के लिए कि लड़की को परेशान किया है। और जू बहुत सैड होती है, यहाँ से वो बाथरूम में जाकर कपड़े साफ करने लग जाती है। ये बुली तो रोज होती है पर इसके लिए आज ज़्यादा सैड होने का रीज़न ये है कि वो जो स्नैक्स था वो मिन्सिक ने दिया था। घर जाते हुए जू मिन्सिक से मिलती है और चर्च के टेम्पलेट लगाने में इसकी हेल्प करती है और पूछती है क्या मैं चर्च में अलाव हूँ। मिन्सिक मुस्कुरा कर कहता है कि हाँ, तुम आ सकती हो। कुछ टाइम बाद
मिंसी इसको लेकर चर्च में आता है। विलेज की जो लेडीज होती है वो इसको देखकर मुंह बनाने लगती है, आड़ टेना। और फिर जू को ये अपनी फैमिली से मिलवाता है। इसके फादर बहुत खुश होते हैं कि मेरा बेटा फाइनली किसी स्कूल स्टूडेंट को चर्च में लेकर आया है। और जब इसके फादर को पता चलता है कि जू के फादर के ऊपर खून का इंजाम है तो वो काफ़ी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को यहाँ से लेकर चले जा, भाग जाओ यहाँ से, दोबारा कभी दिखना मत यहाँ पे, चर्च में आओगी तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर, ये वो सारी बातें। और ये यहाँ से दोनों चले जाते हैं। यहाँ से बाहर जाते हुए जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जू को पकड़ लेते हैं और फिर उसको बुली करने लग जाते हैं। बट मिंसी का आज पहली बार इसकी साइड लेटा है और इसके लिए लड़ाई करता है उन लोगों से, बट वो क्रिमिनल्स इसको बहुत मारते हैं और ये दोनों यहाँ से उठकर भागते हुए जंगल में पहुँच जाते हैं। मिंसी का आज इसको वहीं पर लेकर आ गया है जहाँ पर इसने उस बकरी के बच्चे को देखा था और वो बकरी अभी तक उसी गड्ढे में पड़ी हुई है। यहाँ से ये लोग उसको निकालते हैं और इस गोट को ट्री से बांध देते हैं और जंगल में भी घूमने लग जाते हैं। जू बहुत खुश हो रही है क्योंकि आज तक उसने ऐसी कभी चीज़ें फील नहीं की होती है। घर जाते हुए इनको एक फार्म दिखता है जहाँ पर गोट और बहुत सारे एनिमल्स बंधे होते हैं। वो गोट भी शायद इसी फार्म से निकलकर भागी होगी। वापस आकर ये लोग बकरी के लिए कपड़े खरीदते हैं क्योंकि ठंड का मौसम है, और फिर ले जाकर उसको पहना कर ये लोग उसको घर लेकर आने लगते हैं। बट तभी जो गोट फार्म का ओनर होता है वो इनको पकड़ लेता है और कहता है कि लाओ बकरी मुझे वापस दो, बट ये इनको बकरी नहीं देना चाहते। मिंसी कहता है कि रहने दो हम इसको घर लेकर जाएंगे, बट ये आदमी उसके बदले में पैसे मांगता है। मिंसी कहता है कि ठीक है मैं कल पैसे लाकर दे दूंगा, और ये गोट को इनके साथ जाने देता है। मिंसी और जू के रिश्ते अब धीरे धीरे स्ट्रांग होने लग जाते हैं। चर्च में सब यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि आज एक लड़की की डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है और इसी लड़की के खून का इल्जाम जू के फादर के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पर जू भी आई हुई है और सभी जू को काफ़ी गंदे तरीके से घूर रहे होते हैं, जैसे लगता है कि इसी ने उसका खून किया है। जू यहाँ से भाग जाती है। मिंसी इसके पीछे पीछे आता है, माफ़ी मांगता है क्योंकि इसको नहीं पता था कि चर्च में आज ये हो रहा है। ये दोनों आकर बस स्टैंड पर बैठ जाते हैं। मिंसी इसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर ने खून नहीं किया और ये बात मैं साबित करके रहूँगा और मैं उस किलर को ज़रूर पकड़ लूँगा। जू कुछ कहती नहीं हो, बस में बैठ कर यहाँ से चली जाती है। मिंसी फिर घर आकर अपनी मोम के पर्स से पैसे चुराता है ताकि वो उस गोट ओनर को दे सके। और जू सैलून में जाकर न्यू हेयर स्टाइल करवा लेती है अगले दिन। और जब स्कूल आती है तो सारे क्रिमिनल्स इसका मजाक बनाते हैं, इसको बुली करते हैं, इसके न्यू स्टाइल का खूब मजाक बनाया जाता है। यहाँ पर मिंसी आ जाता है और इनमें से एक को पकड़कर मारने लग जाता है, पर इस वजह से बाकी के जो होते हैं वो इसको मारने लग जाते हैं। और अब रोज़ मिंसी को भी बुली होना पड़ता है उसके साथ साथ, और इसे सारे घर से जो पैसे चोरी किए थे वो भी इसे छीन लेते हैं वो लोग। ये पैसे इसने गोट ओनर को देने के लिए रखे थे। और यहीं पर जू भी आ जाती है और वो देख लेती है और समझ जाती है कि पैसे तो अब छीन लिए गए हैं तो गोट ओनर को हम क्या ही देंगे। ये भागती हुई गोट ओनर के पास जाती है और कहती है कि हम पे पैसे नहीं है। ओनर इसके साथ जंगल में आ जाता है और गोट कहता है मुझे वापस दे दो। अब यहाँ पर मिंसी भी समझ गया था कि जू ने इसको देख लिया पिटाई खाते हुए, पैसे भी छीन लिए गए हैं, तो इसको पता है कि वो कहाँ गई होगी। ये उनमें से एक क्रिमिनल को पकड़ता है, उसको मारता है और उससे पैसे छीन कर वापस गोट ओनर के पास जाता है। बट घर पर गोट ओनर नहीं मिलता। भागता हुआ जंगल में आता है तो यहाँ पर देखता है कि गोट वहीं पर बंधी हुई है और जू की हालत ख़राब नहीं है, उसके कपड़े उतरे हुए हैं। मिंसी को लगता है कि जू ने गोट के बदले में उस आदमी को अपना शरीर बेच दिया है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। थोड़ी देर बाद ये समझ जाता है कि उस आदमी ने जू का यहाँ पर रेप कर दिया है। और यहाँ पर जो मिंसी होता है उसको कुछ समझ नहीं आता, उसको सच्चाई सारी पता है बट वो यहाँ से भाग जाता है। जू गोट लेकर अगले दिन स्कूल में आती है, मिंसी का स्कूल नहीं आया होता है। अब जहाँ जहाँ जू जाती है अपने साथ उस गोट को लेकर घूमती रहती है। ये चर्च में भी आ जाती है गोट को लेकर। मिंसी यहीं पर बैठा हुआ है, जू इसके पास आती है पर मिंसी किससे ना तो नजरें मिलाता है और ना ही इससे बात करना चाहता है। बाहर जाते हुए ये चर्च के लास्ट वाली बेंच पर उसी गोट ओनर से मिलती है और इसको देख रही होती है, और गोट ओनर भी इसको काफ़ी क्रीपी तरीके से देखता है और ऐसा कह रहा है वो कि जा क्या कर लेगी तू, मैंने ही किया सब कुछ। और दिन ढल जाता है और शाम को गोट के साथ जू आकर बस स्टैंड पर बैठ जाती है और गोट अचानक भाग जाती है यहाँ से। अंधेरा काफ़ी होता है, ये उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश करती है बट गोट इसको नहीं मिलती। और उसी अंधेरे में हमें जू भी गायब होती हुई नजर आती है। और अगले दिन मिंसी के स्कूल आता है पर जू इसको नहीं मिलती। ये स्कूल के बाद गोट ओनर के घर जाता है और सभी गोट के केज को खोलकर उन्हें भगा देता है। और जू खोजता खोजता अब उसी जंगल वाले रास्ते में आ जाता है। यहीं इसे वो गोट दिखती है और ये उसके पीछे भागता है, गिर जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। आज यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है जबकि इस विलेज के अंदर स्नोफॉल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और ये रोने लगता है और ये फिल्म जो है पर ख़त्म हो जाती है। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस फिल्म में था क्या और हुआ क्या। ओके, मैं आप लोग को समझाता हूँ कि एक्चुअली में इस फिल्म का मतलब क्या है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है पहले तो कि हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए देख कर कि उसके हालात कैसे हैं। जब तक हमें पूरी बात नहीं पता हो हमें किसी के बारे में कुछ कमेंट या कुछ जज वज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब ने कोई ना कोई क्राइम करके रखा होता है। हम सब ने चाहे छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ अपने पास्ट में गलतियाँ कर रखी होती हैं। हम सबका पास्ट जो है वो कहीं ना कहीं डार्क होता है, तो इसलिए हमें दूसरों के ऊपर कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। कभी पूरी स्टोरी जाने बिना कभी किसी की लाइफ के अंदर गलत कुछ मत करना, वरना उस इंसान की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है।
अब आपके दिमाग में दो सवाल जरूर घूम रहे होंगे। पहला ये कि आखिरकार जू कहाँ चली गई, और दूसरा ये कि उस लड़की को किसने मारा था जो कि जू के फादर के ऊपर इल्ज़ाम लगा था जिस लड़की को मारने का। अब यहाँ पर फिल्म को बिल्कुल ओपन एंडिंग छोड़ा गया है, मतलब आप लोग खुद से यहाँ पर कुछ भी एंडिंग सोच सकते हो। बट यहाँ पर अगर हम ये मान सकते हैं कि उस लड़की को उसी गोट ओनर ने मारा होगा जिसको मारने का इल्ज़ाम जू के फादर के ऊपर था, ये क्लियर तरीके से मूवी के अंदर बताया नहीं गया। बट हम यहाँ पर ये अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि जैसे उसकी हरकतें थी, हो सकता है उसने उसके साथ कुछ गलत करके मार दिया। और सेकंड बात, जू कहाँ गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सही बताऊँ तो जिसने मूवी बनाई है उसके पास भी नहीं है कि जू का कैरेक्टर आखिर कहाँ गया। हम यहाँ पर दो चीज़ें मान सकते हैं, या तो जू मर गई उस अंधेरे में जाकर, या तो वो अपने फादर के साथ किसी और सिटी चली गई। यहाँ पर ये दो एंडिंग हम मान सकते हैं। और दुख हमें सबसे ज़्यादा इस बात का होता है कि जो मिन्सिक था, इसने सब जाना, उसने देखा भी, उसने समझा भी कि अभी अभी जू के साथ क्या हुआ है वहाँ पर, और ये सब जानने के बाद उसने जू का साथ छोड़ दिया। ये बात काफ़ी गलत थी। और जो ये कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर, इनको काफ़ी डरपोक और कायर टाइप का दिखाया गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसे ऐसे वीडियोज़ के लिए मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।